सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अक्षय जीना हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का सहृदय स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का यह छोटा सा सफर हमारी भाषा को समर्पित है, जिसके हम सफर हैं हम और आप। इस सफर की शुरुआत प्रार्थना से होगी तथा अन्य कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ साथ यह आपको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम तक ले जाएगी। तो आइए सर्वप्रथम हम सब हाथ जोड़ते हुए स्कूल प्रार्थना को गाएं। विद्या प्रदायिनी, विद्या प्रदायिनी, सरस्वती नौमि नित्यम्, सरस्वती नौमि नित्यम्, हे प्रभो न केवल भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन के मूल्यों और संस्कारों की सच्ची संवाहक है। इस भाषा ने मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा ने मेरे व्यक्तित्व को सशक्त कर मुझे आत्मविश्वास से परिपूर्ण किया है। इसने मुझे अभिव्यक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान की है। हिंदी में वार्तालाप करते समय मुझे जो आत्मसम्मान और अपनापन का भाव महसूस होता है, उससे मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है। सुप्रभात, हिंदी भाषा ने मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से मैं अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान बना पाई हूँ। इस भाषा के पठन पाठन से मेरी साहित्य में रुचि और भी बढ़ गई है तथा हिंदी को सरलता से समझने के कारण अन्य भाषाओं को समझना और भी आसान हो गया है। इस भाषा के माध्यम से दूसरे लोगों से संपर्क करना बहुत सरल हो गया है। इन उपयोगों के कारण हिंदी मेरे विकास के लिए बहुत आवश्यक रही है। धन्यवाद। निंदा सेना डरियो, निंदा जल की धार, निंदा सेना डरियो, निंदा जल की धार, निंदा से जो डरती मीरा कैसी होती पार। जी हाँ, मीराबाई 16वीं शताब्दी की कृष्ण भक्त एवं कवयित्री थी। उन्होंने लोगों की निंदा की परवाह किए बिना कृष्ण भक्ति में लीन भक्तिमय पदों की रचनाएं करती रही और गाती रही। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में रतन सिंह के घर हुआ। उनके पिता रतन सिंह राठौर एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। जब वह 6 साल की थी, तभी उनकी माता ने उनको एक श्री कृष्ण की मूर्ति दी, जिनके साथ वह खेलती गाती और बातें किया करती थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में घायल हो गए। इस कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई का कृष्ण प्रेम उनकी इन पंक्तियों में साफ झलकता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई स्वयं को कृष्ण की पत्नी मानती हैं।
और श्री कृष्ण मोर मुकुट वाले की एक पत्नी के भांति सेवा करती हैं। उन्हें जग से कोई मतलब नहीं। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीराबाई द्वारिका चली गई, जहां सन 1560 में वे श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। धन्यवाद। पवित्र बनो और शुभ कर्म करो, शुभ कार्य करने वाले का ही जीवन पवित्र बनता है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों ने स्वाभिमान जगाया अपनी भाषा हिंदी में, जग में अलग पहचान दिलाई अपनी भाषा हिंदी ने। लोगों ने स्वाभिमान जगाया अपनी भाषा हिंदी ने, जग में अलग पहचान दिलाई अपनी भाषा हिंदी ने। जाति पाति और छुआछूत का भेद मिटाया हिंदी ने, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति का अलग जगाया हिंदी ने। जय हो हिंदी न्यारी हिंदी तुम्हारी हिंदी, जय हो हिंदी न्यारी हिंदी न्यारी हिंदी तुम्हारी हिंदी, अपनी हिंदी सभी हिंदी है भारत के माटी की बिंदी। Thank you.
शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें, में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर समूह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। इन परंपराओं का सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न मैं सदा करता रहूँगा। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगा। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख नीत है। जय हिंद।